everyone. In this video, I will be telling you about how to create first Java program on Eclipse IDE. First of all, the very first point is open IDE Eclipse. So you have to open IDE Eclipse. Then second step is under file menu, you have to click on new, then Java project. Then you have to give the name of project name. Suppose we have given the project name as Java program. This is a package actually we are creating. This is a package. Then come to in this project name only you will find project layout is there. So for that you have to tick on create separate folders for sources and class files. Fine. So I am repeating my steps again. ओपन आई डी ई एक्लिप्स, फाइल के अंदर जाके न्यू पे क्लिक करना है, देन प्रोजेक्ट जावा प्रोजेक्ट, देन जावा प्रोजेक्ट के अंदर जावा प्रोग्राम हमने नाम दिया उसका, दिस इज़ अ पैकेज नेम, इसी के अंदर प्रोजेक्ट लेआउट भी होगा, उसके अंदर हमें टिक करना है ऑन सेपरेट क्रिएट सेपरेट फोल्डर्स फॉर सोर्सेज एंड क्लास फाइल्स, क्लिक ऑन द फिनिश बटन. फोर्थ स्टेप इज क्रिएट मॉड्यूल नेम, एक आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट मॉड्यूल नेम, तो उस पर टिक नहीं करना है, उस पर आपको सिर्फ डोंट क्रिएट पे क्लिक करना है क्योंकि हम फर्स्ट जगह प्रोग्राम बनाना है, उसमें मॉड्यूल कुछ नहीं है. सो डोंट क्रिएट पे आपको बटन पे क्लिक करना है. देन जावा प्रोग्राम पे जाके जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देगा, जो हमने पैकेज का नाम क्रिएट करा था, उस पर राइट क्लिक करके आपको न्यू पे क्लिक करना है और फिर क्रिएट क्लास पे क्लिक करना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है, क्रिएट क्लास पे क्लिक करना है. सिक्स पॉइंट क्या है, पैकेज. पैकेज जो अगर उसमें पैकेज होगा तो आपको पैकेज नॉट रिक्वायर्ड सो डिलीट इट. इसी के अंदर आपको जब क्लास जब आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट क्लास में पैकेज होगा, पैकेज को आपको डिलीट करना है, उसे जो भी नाम पैकेज का जो हमने दिया था जावा प्रोग्राम पैकेज का नाम ये वाला, तो हम उसे डिलीट कर देंगे पैकेज के नाम को. और सिंपल क्लास का नाम हम क्या लिखेंगे, सिंपल या कोई भी नाम आप डाल सकते हैं, बस ये याद रखना कि क्लास का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो कैपिटल लेटर होता है. उसके बाद उसमें आपके पास क्लास, जब आप क्रिएट क्लास कर रहे होंगे तो इस क्रिएट क्लास में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर टिक करना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ट्स, तो ये वाली लाइन एज इट इज़ लिख के आ जाएगी आपकी स्क्रीन पे और आपको फिनिश पे क्लिक करना है. राइट, फिनिश में क्लिक करने के बाद जब आप अपना अब आईडी एनवायरनमेंट देखेंगे तो उस पर आपको दिखेगा पब्लिक क्लास सिंपल, जो आपने क्लास का नाम लिखा था सिंपल वो लिख के आ गया है. एज इट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ट्स लिख गया है क्योंकि हमने उस पर टिक लगाया था यहाँ चेकबॉक्स में. और आपको बस एक लाइन ऐड करनी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड, जितने कर्ली ब्रेसेस आपने ओपन करे थे, टू कर्ली ब्रेसेस हैं तो वो टू कर्ली ब्रेसेस आपके क्लोज हो जाएंगे. तो दिस इज़ हाउ, एंड यू क्लिक ऑन द रन बटन तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.